हेलो फ्रेंड, कैसे हो? मैं आपकी दोस्त पूजा पटेल। देखो ये मेरा प्रेशर कुकर प्रेस्टीज का था, 1500 का लाई थी, 3 साल भी नहीं हुआ है। डेली यूज करने से इसकी ये दशा होगी। फिर एल्यूमिनियम निकलता है नीचे और फिर हम इसमें ही खाना पकाए ना, तो जो ऊपर का जो है केमिकल होगा, जो होगा ये हमारे पेट में जाएगा। फिर हमने छोड़ दिया उसको, खाना बने दोनों तरफ से हैंडल निकाल दिया। तो आप क्या इसका हैंगिंग बास्केट की तरह भी हम इसका यूज कर सकते हैं। मैंने इसका पोट बना दिया, नीचे बना दिया छेद, और अब मैं उसमें ये एल्यूमिनियम को मैं रिपोर्ट कर लूँगी, क्योंकि इसका मेरा ये गमला टूट गया है। तो मैंने सोचा चलो मैं इसमें इसको रखूँ। तो मैं ये पुरानी मेरी मिट्टी अच्छी ही है, तो मैंने इसमें थोड़ा ट्राइकोडर्मा बॉन डस्ट और रोज प्लस जो आता है रोज मिक्सर प्लस, ये तीनों लिया है। और मैंने साथ में ये थोड़ी सी मैंने नई खाद डाल दी ना, तो ये बकरी का मैन्यूर है, तो गांव में हमें तो ऐसे ही फ्री में मिल जाता है। देखो कोई भी खाद यूज़ करो ऐसी पुरानी होनी चाहिए, इसमें से बदबू बिल्कुल आने नहीं चाहिए। तो ऐसा मेरा रोज मिक्सर एडेनियम के लिए मैंने तैयार कर दिया। तो इसके पहले मैं नीचे इसमें छेद ठिकरा रख देती हूँ। इतना अच्छा कुकर का यूज हो गया ना, जब हम देने जाते हैं ना तो ये बोलते हैं 100 रुपये केजी मिलेगा, उसका भाव होता है मतलब भंगार में देने जाएंगे, ये शायद 1 केजी का होगा तो 100 रुपये हाथ में आएगा, इससे अच्छा है ना। मैंने सोचा चलो इसको गमला बना दूँ, ये सोच के मैंने इसका गमला बना दिया। कितने सालों तक चलेगा, कभी टूटने का कोई डर ही नहीं है, सुंदर भी दिखेगा। और कभी ऐसा लगा कि एडेनियम नहीं रखना है, बड़ा हो गया तो मैं निकाल दूँगी और इसका हैंगिंग बास्केट बना दूँगी। तो यहाँ 10 दोनों तरफ दूरी लगा दो और अपना हैंगिंग बास्केट तैयार। तो अब मैं इसमें एडेनियम लगाने जा रही हूँ, और ये एडेनियम भी मुझे गिफ्ट में मिला था, छोटा सा था, एक या 1.5 साल हो गया था। और मैं इसको देखिए अंदर जाता है कि नहीं जाता है। थोड़ी सी मिट्टी निकाल देती हूँ, जैसे ही पानी जाएगा ना एक बार तो सब नीचे चला जाएगा। और जैसे ही एडेनियम को जितना ऊंचा करते हैं ना, 1 साल से पहले मैंने इसको इसमें लगाया था, और जैसे ही हम उसको गमला चेंज करेंगे, थोड़ा सा ऊंचा करेंगे, तो क्या होता है उसका कॉडेक्स ऐसे बड़ा हो जाएगा। तैयार हो गया,
एक नया सा गमला मिल गया है एडेनियम को, और मेरा भी ऐसे देखो कुकर का रीयूज हो गया। भंगार में देने से अच्छा है कि हम अपने ऐसे ही पुराने बर्तन का हमारे गार्डन में ही यूज करें। तो आज का मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा एक अच्छी सी कमेंट करना, और आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक तो बनता है। तो चलो फिर मिलेंगे कुछ नए टॉपिक के साथ, तब तक बाय बाय।